नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके IBPS क्लर्क में आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूं कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट होगी, क्या क्वालिफिकेशंस मांगी है, वैकेंसी कितनी रहने वाली है, सब कुछ इसके बारे में बताने वाला हूं, कब से इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, फीस क्या रहेगी। तो देखिएगा, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आपके वन बाई वन करके क्या है क्या नहीं है, ठीक है, सब कुछ डिटेल में जानने वाली है इस वीडियो में, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, सही है। सबसे पहले हम जानते हैं आप सभी के लिए ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जान लेते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आज कौन सी डेट है, 7th October 2021, ठीक है। आज से आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं 7th October से, और जो अप्लाई जो होने वाले हैं वो कब तक होने वाले हैं, 20 days, मीन्स 27 तक आपके अप्लाई होंगे फॉर्म, 27th October 2021 तक आपके फॉर्म जो अप्लाई किए जाएंगे। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई जरूर करिएगा। आगे जान लेते हैं इसके पीईटी ट्रेनिंग की, पीईटी ट्रेनिंग कब होने वाली है ये मैं आपको बता देता हूँ। पीईटी ट्रेनिंग की बात करूँ तो ये आपकी कब होगी, नवंबर में, ठीक है ना, कब होने वाली है, नवंबर में, नेक्स्ट मंथ जो आपका आने वाला है उस मंथ में, ठीक है ना। आगे जान लेते हैं, देखिए आपके प्री एग्जाम जब होता है उसका प्री एग्जाम, दो एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस, ठीक है। प्री एग्जाम की डेट की बात करूं तो प्री एग्जाम कब होगा, तो देखिएगा आप सभी का प्री एग्जाम होने वाला कब, दिसंबर के मंथ में आपका प्री एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ज्यादा टाइमिंग नहीं है, अब से एक घंटा एक महीने रहने वाला है बस, अभी एक महीना नवंबर बचा है, इसके बाद आप सभी के लिए तैयारी के लिए अक्टूबर ऐसे करके निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा कुछ, ठीक है ना। कॉफी कैंडिडेट तो क्या करेंगे कि अक्टूबर तक अप्लाई होंगे, क्योंकि 27 तक तो अप्लाई होना स्टार्ट है लास्ट डेट, तो जब तक आप अप्लाई करेंगे काफी कैंडिडेट, तो लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है, एक मंथ आपको पूरा पूरा मिलेगा अप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। आगे जान लेते हैं इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो अगर मैं इसके एडमिट कार्ड की बात करूं, तो एडमिट कार्ड आपकी बात करूं तो देखिए दिसंबर मंथ से कुछ दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 8 से 10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड आएंगे आपको चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे जान लेते हैं, देखिएगा आपका मेंस का एग्जाम, इसका मेंस का एग्जाम कब होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसके मेंस के एग्जाम की बात करूँ तो मेंस एग्जाम आपको होगा कब, जनवरी या फरवरी के मंथ में, कब होने वाला है, जनवरी या फरवरी मंथ का आपका एग्जाम होने वाला है। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूँ तो दिसंबर की, देखिए जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, प्री एग्जाम का, ठीक है। मेंस एग्जाम की बात करूं जनवरी के लास्ट में होगा आपका एग्जाम, या फिर आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है मेंस एग्जाम, ठीक है ना, 2021 में। इसके एडमिट कार्ड भी 8 से 10 दिन पहले इशू कर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे जान लेते हैं, देखिएगा आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर मैं एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए फीस की बात करूं तो 850 रुपये फीस रखी गई है, 850 रुपीज़ आपके लिए फीस पे करनी होगी। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। आगे जान लेते हैं, देखिएगा आपके एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ट की बात करूं तो 175 रुपये, यानी कि 175 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे, कितने, 175 रुपये, 175 पेमेंट आपको करना होगा एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए, ठीक है। आगे जान लेते हैं, देखिएगा आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, अगर वैकेंसी कितनी रहेंगी इसके बारे में आपको बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहने वाली है वो 5,858 वैकेंसीज में रहने वाली है, ठीक है, जो कि इसमें सभी राज्यों की वैकेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट राज्य है जिसमें कि आपकी वैकेंसी रहनी है। यूपी में कुछ अलग वैकेंसी है, गोवा में कुछ अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, ऐसे ऐसे करके मतलब वन बाई वन करके वहां पे बताया गया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट, जाके ज्वाइन जरूर करिएगा, वहां पे अगर फुल नोटिफिकेशन मैंने सेंड कर चुका हूं, जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से आप अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और भी सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेन मेन बातें मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। आगे जान लेते हैं, मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन में आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 5,858 इसमें पोस्ट रहेंगी, ठीक है ना। आगे जान लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ठीक है, कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, अगर किसी भी कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, मीन्स किसी भी स्ट्रीम से आपने या तो बी किया हो, बी टेक किया हो, या फिर बी ए, बी एस सी, बी सी ए, बी बी ए कुछ भी किया है आपने, या बी कॉम किया है, एक्स वाई जेड आपने कोई भी डिग्री पास कर रखी है ना, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो, ठीक है।
आगे जान लेते हैं इसके, देखिए एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट की बात करूँ तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 20 साल से लेकर कितनी 28 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22, 21, 28 तक इस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं मिनिमम एज की बात करूँ तो 20 साल, मैक्सिमम की बात करूँ 28, मीन्स 28 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर मैं बात करूँ एज ऑन, किस डेट को आपके मिनिमम एज होनी चाहिए 28 साल, मिनिमम मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 28 साल, और मिनिमम की बात करूँ तो आपकी 20 साल। तो डेट की बात करूँ तो इस डेट को यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपकी मिनिमम एज की बात करूँ तो आपकी होनी चाहिए 20 साल, और मैक्सिमम की बात करूँ तो 28 यानी 28 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये 1x1 करके सब कुछ बता दिया है। अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, अप्लाई जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट के लिए, अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो अगली नेक्स्ट वीडियो सिलेबस के ऊपर आ रही है, जिसमें प्री में आपका क्या क्या, कितने मिनट का पेपर होगा, क्या क्या सिलेबस पूछे जाने वाला है, सब कुछ मैं उस वीडियो में बताने वाला हूं, तो उस वीडियो का वेट कर सकते हैं आप। ठीक है, सिलेबस के बारे में आपको बता दूंगा। फिलहाल आप अगर इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए, आपको वैकेंसी अच्छी लगती है, अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। तो मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल बता दिए, फिर भी कोई डाउट है तो वो आप अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको आई होप पूरी तरह से समझा पाया हूं, आई होप आप भी पूरी तरह से समझ चुके होंगे। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आपसे कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा, ताकि मैं आपके भी जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानना चाहते हो टेलीग्राम से ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।